भारत में जगह जगह हिट एंड रन कानून की वजह से हड़ताल चल रही है, ड्राइवर्स अपना लाइसेंस फाड़ रहे हैं, इवन ड्राइवर्स अपनी नौकरी भी छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बाधित हो रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि सामान का लाना और ले जाना यहाँ पर बाधित हो रहा है। साथ ही ट्रक चालक भी एक तरफ ट्रक खड़ी करके रुक गए हैं, यहाँ पर बसेस भी थम गई है, चक्का जाम किया जा रहा है भारत के अलग अलग कोने में। तो क्या है ये हिट एंड रन कानून, इसको जानेंगे, नए प्रावधान क्या जोड़े गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर हड़ताल देखने को मिल रहा है, इवन पेट्रोल पंप्स भी कई जगह पर बंद देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि हिट एंड रन क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पुराना प्रावधान क्या था और नया प्रावधान क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर हड़ताल हो रहा है। हिट एंड रन का मतलब है ऐसा मामला जिसमें गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है बिना पुलिस को खबर किए, ठीक है, इसको हिट एंड रन कहते हैं, यानी कि हिट करना और भाग जाना। तो ये जो कानून है ये पहले भी था, हिट एंड रन को लेकर जो कानून है पहले भी था। पहले क्या था कि पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था, यानी कि अगर ऐसा होता है तो 2 साल की सजा होगी, साथ ही जमानत भी मिल जाती थी, ठीक है, पहले पुराने वाले कानून के हिसाब से। नया नियम कह रहा है कि अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को बिना बताए वहां से मौके से फरार हो जाता है टक्कर मार के, तो उसको 10 साल की सजा होगी, साथ ही 7 लाख तक का जुर्माना उसको देना पड़ेगा। अब ड्राइवर्स इसी बात से खफा है कि पहले 2 साल की सजा थी और जमानत मिलती थी, बट अब 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना। इसमें ड्राइवर्स का क्या तर्क है ये भी समझेंगे। अब यहां पर आगे देखिए, नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान तरीके से लागू होंगे, यानी कि जो प्राइवेट गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं, प्राइवेट गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं, उन पर भी पूरी तरीके से ये नए प्रावधान लागू होंगे। पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में चक्का जाम किया गया है और कब तक ये चलेगा वो भी नहीं पता है। सरकार से बोला जा रहा है कि इस प्रावधान को बदलो, जो पहले था वही रहने दो। क्यों कहा जा रहा है ये भी देखेंगे। अब ये जो नया प्रावधान आया ना, इसमें कुछ राहत भी ड्राइवर्स को दिया गया है। वो राहत ये है कि अगर गाड़ी से टकराने वाला शख्स गलत तरीके से सड़क को पार करता है, यानी कि ऐसा कई बार होता है कि गलती सामने वाले की रहती है फिर भी ड्राइवर को भुगतना पड़ता है, ठीक है, तो अगर गाड़ी से टकराने वाला जो शख्स है वो गलत तरीके से रोड पार करता है या गाड़ी के सामने आ जाता है, तो ड्राइवर को अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी कि 10 साल को 5 साल कर दिया गया है अगर सामने वाले की गलती होती है तो भी, और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मतलब थोड़ी सी राहत यहां पर दी गई है। ड्राइवर्स का क्या तर्क है ये देखिए ध्यान से। टक्कर के बाद अगर वो भागते हैं तो उन्हें नए कानून के तहत सख्त सजा मिलेगी, अगर वो रुकते हैं तो मौके पर मौजूद भीड़ उन पर हमला कर देगी। हमने देखा है कई बार कि जब एक्सीडेंट होता है, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन गाड़ी वालों को रोक कर उतार कर वहां की भीड़ उनको पीट देती है बिना उनकी बात सुने, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइवरों का कहना यही है कि मान लीजिए कहीं घना कोहरा है, हमको सामने कुछ दिखाई नहीं दिया और गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो हम अगर वहां रुकते भी हैं तो भी भीड़ हमको पीटेगी, भीड़ हम पर हमला करेगी, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ठीक है। साथ ही कई बार कोहरे की वजह से भी एक्सीडेंट होता है। अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC ने बोला है कि नए नियमों के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं, देश भर में पहले से ही 25-30% ड्राइवरों की कमी है, अब जो ड्राइवर्स अपना लाइसेंस फाड़ रहे हैं, नौकरी छोड़ डर के मारे ड्राइवर्स अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। पहले क्या है, जमानत मिल जाती थी, 2 साल तक की सजा थी, उतना ज्यादा टेंशन ड्राइवर्स लेते नहीं थे, लेकिन अब 10 साल की सजा कर दी गई है, साथ ही 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। ड्राइवर्स का यह भी कहना है कि इतनी तो हमारी जिंदगी भर की कमाई नहीं होती जितना हमको यहां पर भरना पड़ेगा। ये सारे तर्क ड्राइवर्स के द्वारा दिए गए हैं। अब तक हिट एंड रन मामले में IPC की धारा 279 यानी कि लापरवाही से वाहन चलाना और 304A यानी कि लापरवाही के कारण मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालना, इन सभी के तहत केस दर्ज किया जाता था पुराने प्रावधानों के हिसाब से IPC। अब आपको पता होगा IPC चेंज कर दिया गया, यानी कि IPC का नाम बदल दिया गया है, सारे कानूनों में भी फर्क आया है। बदलाव के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटना स्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि पहले जो प्रावधान थे उससे अब सारी चीजें चेंज हो गई हैं। क्यों सख्त किया गया है कानून, अचानक से इतना सख्त कानून क्यों किया गया, जब सालों से 2 साल का प्रावधान चला रहा था तो अब ऐसा क्यों किया गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि हिट एंड रन मामलों में हर साल 50,000 लोग जान गंवाते हैं, हर साल हिट एंड रन मामले में, यानी कि जिनको कोई पूछता भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ के चला जाता है और लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं वहां पर इस वजह से। और ये सरकारी आंकड़े हैं, हर साल 50,000 ऐसी मौतें होती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 अब कानून बन चुका है। आपको पता होगा आईपीसी सीआरपीसी ये सारी चीजों का नाम बदल दिया गया, कई सारे प्रावधान बदल दिए गए, कई सारे सेक्शंस के नंबर बदल दिए गए हैं, तो ये अब कानून बन चुका है। ठीक है, आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पीनल कोड आईपीसी के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे, पूरी तरीके से अब जगह ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा कानून है, सिंपली अगर हम समझें कि हड़ताल क्यों हो रहा है, ट्रैफिक जैम क्यों हो रहा है, चक्का जाम क्यों हो रहा है, ड्राइवर्स नौकरी क्यों छोड़ रहे हैं, तो इसका सिर्फ एक कारण है कि 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर ड्राइवर्स जो है वो बिना बताए चले जाते हैं वहां से टक्कर मार के। ठीक है, साथ ही राहत भी दी गई है, लेकिन वो राहत जो है वो ड्राइवर्स के लिए उतनी सुविधाजनक नहीं समझ में आ रही है उनको, इस वजह से यहां पर इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि अगर ये प्रोटेस्ट ज्यादा समय तक चलता रहा तो आपकी रोजमर्रा की चीजों पर, जिन चीजों का आप डेली इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों पर बहुत ज्यादा असर आएगा। आपको जब आप सब्जी खरीदने जाएंगे या पेट्रोल डीजल भरवाने जाएंगे तो आपको बहुत इशू आने वाले हैं, क्योंकि सामान का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आगे जो भी अपडेट आएगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कानून वापस होता है या नहीं होता है ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है उस पर सरकार, उसको लेकर सरकार भी काफी ज्यादा प्रेशर में दिख रही है। आगे जो भी अपडेट आएगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।